central authority and various constituent units of a country. यानी कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे पावर को डिवाइड किया जाता है किस किस के दरमियान, सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, ठीक है। इसमें दो टर्म्स आ गए। अगर आपको ये टर्म समझ में आएगी तो पूरी डेफिनेशन आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स पे इन दो टर्म्स पे हम फोकस करते हैं। एक है सेंट्रल अथॉरिटी, दूसरा है कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। अगर इसे इस पर नहीं पूछो गर्ड कि फेडरलिज्म हम सच में सिस्टम पर बात कर रहे हैं तो यह मस्त क्या शासन पावर चाहता हूँ डिवाइड कब से दरमियान शब्द सेंट्रल अथॉरिटी एंड। तो अब हमें क्या देखना है, ये सेंट्रल अथॉरिटी क्या होती है और कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होते हैं। देखो अगर इसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे एक कंट्री है, ठीक है। तो परसों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट होती है, जिस जो पूरी कंट्री को चलाती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब जो यहाँ पे वर्ड आया है ना सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी रिप्रेजेंट करता है या इसकी मीनिंग निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या निकलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ ए कंट्री। कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई चीज होता है ना, वो डिफरेंट पार्ट्स का बना हुआ होता है और वो पार्ट्स उसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी तो फैन अवेलेबल नहीं है, अगर हम फैन की तरफ देखेंगे ना उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो सभी पार्ट्स मिला के फैन बनाते हैं, ठीक है। या मेरे हाथ में मार्क है, इसमें ये कैप है, इसकी एक टिप या ऊपर से बॉडी, ये सब मिला के क्या बना? मार्कर। क्या बना? तो अगर मैं अलग अलग इसको खोलूंगा ये इसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समझ में आया? यस सर। अब देखो अगर हम देखेंगे एक कंट्री के कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होते हैं, कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं एक कंट्री डिफरेंट स्टेट्स की बनी हुई होती है। इसका मतलब जो हमने वर्ड यूज किया कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, ये बेसिकली स्टेट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ठीक है। अब जो हमें लग रहे थे दो टफ वर्ड से, सेंट्रल अथॉरिटी इसकी मीनिंग क्या निकलगी, अब जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, अगर ये दो, अगर ये पूरी कंट्री है, कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स होंगी, ये स्टेट्स कहलाएगी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। इसका मतलब कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बजाय में क्या लिख सकता हूँ, स्टेट भी लिख सकता हूँ। अब जरा फिर से डेफिनेशन पढ़ो, और सेंट्रल अथॉरिटी के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़नी है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बजाय स्टेट पढ़नी है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व्हिच फॉर्म्स It is a system of government
पहले यूनिटरी सिस्टम लिखो, इस क्वार्टर लाइन करो, ठीक है? इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज आइदर ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट or the sub units के बाद ब्रैकेट में स्टेट लिखना, सब यूनिट्स आपने लिखाना, सब यूनिट्स ब्रैकेट में रखना, कीवर्ड स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि सब यूनिट्स का मतलब स्टेट। क्या लिखा आपने? In which there is either one level of government or the sub units are subordinate to the center or subordinate subordinate or the sub units are subordinate to the center। लिखा बेटा आपने? चलो आप ध्यान देखो, शाबाश। फेडरलिज्म समझ में आया ना? यानी इसका मतलब हर एक कंट्री में फेडरलिज्म नहीं होता है, फेडरल सिस्टम नहीं होता है, किसी किसी कंट्री में यूनिटरी सिस्टम भी हो सकता है। वो बाद में हम देखेंगे किस कंट्री में यूनिटरी सिस्टम होता है, लेकिन पहले हम समझेंगे ये यूनिटरी सिस्टम होता क्या है। देखो आपने लिखा either there is only one level of government or the other levels or the sub units are subordinate to the center। देखो बेटा कोई कंट्री ऐसी होगी जहां पे एक ही लेवल होगी गवर्नमेंट, और जैसे मैं आपको समझा जा रहा हूँ कि ये लेवल क्या होती है। जैसे एक कंट्री है, इसमें होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है? इट इज अ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। लेकिन उसके बाद एक कंट्री में जो डिफरेंट स्टेट्स होती है, हर एक स्टेट की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है? तो दूसरी बन जाती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको हम बोलते हैं लेवल फर्स्ट या लेवल वन, स्टेट गवर्नमेंट लेवल टू, ठीक है? अब जहां पे यूनिटरी सिस्टम होता है, या तो बेटा वहां पे सिर्फ एक ही लेवल होगी गवर्नमेंट की, सेंट्रल लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अब जब एक ही लेवल होगी तो पावर किसके बीच में शेयर होगा? एक ही लेवल है ना, तो पावर डिवाइड मत हुए। लेकिन यहाँ पे हमने फेडरल सिस्टम में देखा पावर डिवाइड होता है सेंट्रल अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट यानी कि स्टेट्स के दरमियान। ये था किस सिस्टम का, बट अभी हम क्या समझ रहे हैं? यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, या तो बेटा यहाँ पे एक ही लेवल होगी। जब एक ही लेवल है तो पावर किसके साथ शेयर होगा? किसी के साथ नहीं। अब हो सकती है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट होगी। सबॉर्डिनेट का मतलब अंडर इंटर डिपेंडेंट होगी, या एक स्पेशल पर्टमान तुम स्टेट गवर्नमेंट आसन मार कर का सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि उनको काम करना है किसके अंडर? फेडरलिज्म में ऐसा नहीं है। फेडरलिज्म में सेंट्रल के अपने पावर्स होंगे, स्टेट के अपने पावर्स होंगे, बट यूनिटरी सिस्टम में या तो पहले पावर ही डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि एक ही लेवल हो सकती है गवर्नमेंट की, या क्या हो सकता है, या जो स्टेट्स होंगे द स्टेट्स विल बी सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल, वो किन के अंडर होंगे? अब समझ में आया डिफरेंस? समझ में आई? तो अब आपको पता चला कि हर जगह फेडरलिज्म नहीं हो सकता है, या हर जगह फेडरलिज्म नहीं है, और हर जगह यूनिटरी सिस्टम भी। डिफरेंस समझ में आया? क्या अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएट करो फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में, आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे? वेरी गुड। इसके बाद